हमार झारखंड के सीधी बात में आप सबों को जोहार। सीधी बात कार्यक्रम का मकसद विशेषज्ञों एवं अनुभवी लोगों के इंटरव्यू को उसी स्वरूप में पूरा दिखाना है। इस सीरीज में हम बात करेंगे वर्तमान में राज्य में रोजगार के अवसरों की। देखिए, ये सरकार ने एक अच्छी पहल की जिसमें उन्होंने जो भी हमारे मजदूर भाई थे जो आज सफर कर रहे थे डिफरेंट स्टेट्स में, उनको वापस अपने स्टेट लाने के लिए, और चैम्बर ने ही फर्स्ट मीटिंग में ये सुझाव दिया था कि उनकी मैपिंग करके वो क्या स्किल, किस स्किल में वो ट्रेंड हैं, उनकी एक डाटा सारे फेडरेशंस को, जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं यहाँ पे, उनको प्रोवाइड किए जाए कि हमें पता चले कि आज जो भी लेबर्स आए हैं उनका क्या हुनर है, वो किस सेक्टर में ट्रेंड है। तो बाहर से जो लेबर्स आते हैं, क्यों ना हम अपने ही जो यहाँ के लेबर्स हैं उनको हम रोजगार मुहैया करा सकें। बट स्टिल चुनौतियाँ अभी काफ़ी हैं, जिस तरह बेरोजगारी आप देखिए बढ़ी है, अभी काफ़ी सेक्टर्स हैं जो अभी भी हैम्पर हैं, काफ़ी उद्योग हैं जो अभी अपने 50% कैपेसिटी में चल रहे हैं। तो अभी मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे, चाहे BDO हो, पंचायत लेवल के हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, कमिटीज बना के हम कैसे इंश्योर कर सके कि इनको हम रोजगार दे पाए। अभी तुरंत में आप देखिए तो ऑलरेडी मार्केट में डिमांड बहुत कम है, लिक्विडिटी का फ्लो बहुत कम है, तो बेरोजगारी इसमें आप देखिए लोग अभी कट डाउन कर रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट डाटा जो है मैं बता रहा हूँ कि जनवरी में जो बेरोजगारी के, जो इंडियन में एक इकोनॉमी जो सर्वे किया गया था उसमें लगभग 7 या 9% थे, जो इस कोरोना के बाद बढ़ के 23% तक पहुंच गई है। तो ये हमारे लिए भी, सरकार के लिए भी चुनौती का समय है। सो वी फील कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कमिटीज बनाए जाए, पंचायत लेवल पर भी जिम्मेवारियां तय की जाए कि उनकी मैपिंग करके हमारे स्टेट में किस तरह के उद्योग, किस तरह के व्यापार या किस तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क ज्यादा होते हैं, तो उन लोगों को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने क्षेत्र में उनको यूटिलाइजेशन ले सकें। साथ ही साथ जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क से ये जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंस्ट्रक्शन सेस फंड्स हैं, उनका बेनिफिट इनको मिले। और मैं समझता हूँ कि अभी जो भी बाहर से आए उनके पास खाने का प्रॉब्लम है, तो खाने तक के पैसे नहीं है, तो 6 महीने का एटलीस्ट तो जो उनको राशन है वो सरकार मुहैया कराए। साथ ही साथ कुछ अगर हाथ में पैसे जाएंगे, ग्रांट आएगा मार्केट में, लिक्विडिटी उनको हम कुछ ग्रांट देंगे, मार्केट में लिक्विडिटी आएगा तो उनको हम अपने यहाँ रोक सकते हैं। साथ ही साथ इरिगेशन फैसिलिटीज हमारे गांव में बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। अभी नई योजनाओं की हम क्या बात करें, ऐसी राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो ICU में है, तो जो पुराने इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, इरिगेशन अगर हम उन्हें मुहैया करा सकें तो वो एक ऐसा सेक्टर है कि हम उनको गांव में भी रोजगार मुहैया, एग्रीकल्चर के द्वारा रोजगार मुहैया करा सकते हैं। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जो अभी तुरंत में रोजगार दे सकता है। और भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, आने वाले वक्त में देखिए लोग बाहर नहीं जाएंगे, अपने राज्य में ही रहेंगे, अपने देश में ही रहेंगे, तो इको टूरिज्म में भी अगर पहल की जाए तो झारखंड इको टूरिज्म का पूरे देश में हब बन सकता है, और जो इंटीरियर में लोग रहते हैं तो उनको किसी ना किसी तरह हम इसमें रोजगार के माध्यम से जोड़ भी सकते हैं। तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो NGOs हो और भी संस्थाएं हो, फेडरेशन हो, तो सबकी जिम्मेवारी तय हो इसमें, और हम अपने लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया करा पाए उस पर हम भी फोकस्ड हैं। देखिए अभी तो बहुत ही चैलेंजिंग समय है, मार्केट में अभी डिमांड नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कई ऐसे उद्योग हैं जो 50% कैपेसिटी में भी नहीं चल रहे हैं। सबसे पहले मार्केट में पैसा का फ्लो कैसे हो, लिक्विडिटी कैसे आए, जो आज वेंडर्स के, MSME सेक्टर्स के जो पेमेंट्स काफी बाकी हैं सरकार के पास, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पेमेंट्स ट्रेजरी खुले, पेमेंट्स रिलीज हो। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो कार्य हो रहे हैं वो टाइम बाउंड तरीके से हों,
कोई भी जो राइट टू सर्विस एक्ट लाया गया, पर झारखंड में उसका कहीं अनुपालन नहीं हो रहा है। आज चाहे व्यापारी हो चाहे गांव का व्यक्ति हो, अगर टाइम बाउंड चीजें होने लग जाएंगी तो काफी लोगों को राहत मिलेगी। सिंगल विंडो सिस्टम है और भी जो राज्य सरकार जो भी चीज कॉम्प्लायंसेज है, एक तरफ हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं पर दिन पर दिन कॉम्प्लायंसेज बढ़ते जा रहे हैं, तो कॉम्प्लायंसेज कैसे करें, लोगों को हम बिजनेस व्यापारियों को स्टेक होल्डर्स की राय लें पॉलिसी बनाने के पहले, मार्केट में लिक्विडिटी कैसे आए, पेमेंट रिलीज हो, तो ये कुछ पहलू हैं। और जो फिक्स चार्जेस हैं, अन्य जैसे जो शुल्क लग रहे हैं, जब हम आपने कहा लॉकडाउन करने और व्यापारियों ने अपना व्यापार बंद किया, चाहे वो बिजली का फिक्स चार्ज हो, चाहे वो आप और भी जो टैक्स रिजाइन है उसमें इंटरेस्ट है, तो उसमें भी रिलीफ मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि चीजें पटरी पर आएंगी और साथ ही साथ सरकार की इसमें बहुत ही अहम भूमिका है। एमएसएमई सेक्टर ही आज एक सेक्टर है हमारे राज्य में स्पेशली जो सबसे ज्यादा रोजगार भी मुहैया कराता है, तो उस सेक्टर को कैसे हम बूम कर सकें, किसी तरह राज्य सरकार भी अगर कुछ ग्रांट दे सके छोटे व्यापारियों को, यहाँ के उद्योगों को, और कॉम्प्लायंसेस कम हो गए, टाइम बाउंड तरीके से सर्विसेज हो, तो मैं समझता हूं कि चीजें काफी हद तक पटरी पर आ सकती हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी बोलना बहुत आसान रहेगा कि हम नौकरी दे देंगे कर देंगे, बट वस्तु स्थिति किसी से छुपी नहीं है। ये अभी बहुत ही चैलेंजिंग वक्त है सबके लिए। तो जो जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज मैंने बताया कि हम एग्रीकल्चर और साथ ही साथ अभी कंस्ट्रक्शन वर्क्स ऐसे हैं जिसमें तुरंत में उन्हें हमारे जो बंधु हैं, जो मजदूर बंधु हैं, उन्हें किस तरह हम इन्वॉल्व कर सकें, 6 महीने का अभी राशन जो है एटलीस्ट उन्हें मुहैया कराएं, कुछ ग्रांट अगर सरकार दे सके, साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ और ग्रामीण लेवल पर हो, चाहे वो पंचायत लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, एक बैठक बुला के कमिटीज बनाए जाए कि हम किस तरह उनको अपने राज्य के हिसाब से उन्हें हम इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉयमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट उनका करा सकें।